आफ्टरनून, वेलकम टू कपूर फैमिली ब्लॉग्स। और अभी ना बारिश हो रही है, कितनी देर हो गई, आधा पौना घंटा हो गया, अभी रुकी नहीं। मैं बाहर ही खड़ी हुई थी और मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ, बाहर से ना शोर आता है। फिर मुझे लगा आज का ब्लॉग अपना बारिश से स्टार्ट करते हैं। अच्छे वाला मौसम हो गया, थोड़ा ठंडा ठंडा, और यहाँ पर ना चादर धोई थी तो मैंने यहीं पर फिर डाल दी। बाहर थी, मुझे आवाज़ आ गई थी बारिश आ रही है, मैंने कहा यहाँ डाल देती हूँ और गीली हो जाएगी। और आज है सैटरडे, कल फ्राइडे था, हाँ आज सैटरडे है। और टाइम ना 12:30 बज गए हैं। काम वाम मेरा बस अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म है, मतलब पोछा रह गया था, झाड़ू वाड़ू लगा के फिर मैं नहाने चली गई थी, नाश्ता वगैरह किया और अब उन पोछा लगा के हटी हूँ। और अभी बनाऊँगी मैं सब्ज़ी, अभी सब्ज़ी नहीं है, बच्चे ना सुबह मैक्रोनी लेके गए थे, क्योंकि सैटरडे है तो फिर अलाउड होता है उनको मैक्रोनी वगैरह, तो बस सुबह मैक्रोनी बनाई थी तो सुबह ये गए थे नीचे, तो फिर इनसे सब्ज़ी मैंने मंगवा ली। और अभी आज बनाऊंगी खाने में बैंगन बनाऊंगी, भरते वाले नहीं, ना ही छोटे वाले, दूसरे वाले बैंगन बनाऊंगी, जो कि कावे फरमाइश करके गया कि मुझे वो वाले बैंगन खाने हैं। अब ना खाने लग गया वो, क्योंकि पहले नहीं खाता था, भरता तो खा लेता था, छोटे वाले बैंगन नहीं खाता, और ये वाले बैंगन ना अब खाने लग गए, तो बस अब बोल के गया ये वाले बैंगन बनाना, तो बस वही बनाऊंगी। और साथ में चावल बोल के गया, पर चावल मैं सोच रही हूँ ना ही बनाऊँ तो अच्छा है अभी, क्योंकि ना कावे की तबीयत ठीक नहीं है, कल रात को ना उसको एकदम से बुखार हुआ है, मौसम चेंज हो रहा है ना, कल भी मौसम ऐसे ही था, पूरा दिन बारिश वाला मौसम था, तो मुझे लग रहा है चावल नहीं बनाती, पता नहीं फिर रोएगा, पर मैं अभी तो चावल बनाऊँगी नहीं फिलहाल, क्योंकि वो उस बैंगन के साथ ना चावल अच्छे लगते हैं। और अब कई ऐसी चीज़ें जो ना खाने लगे, जब छोटा था ना नहीं खाता था, अब सब्जी हो गई कोई भी चीज़ मतलब बाहर की, अब उसको टेस्ट ना थोड़ा समझ आ रहा है तो खाने लग गया, तो स्पेशली बोल के गया सब्जियों में भी खा लेता है, अब टिंडे तोरी सब खा लेता है, मैं तो छोटी थी मैं तो खाती नहीं थी, बच्चा खा लेता है। तो चलो फिर चलते हैं अभी रसोई में, और 12:30 बज गए, बस आधा पौना घंटा बचा है उनके आने में, आधा पौना घंटा नहीं मतलब 12:30 नहीं, कितना टाइम हुआ देखो, 1 बज गया है, मतलब 5 मिनट बचे हैं बस, तो हम जल्दी से रसोई में चलते हैं, सब्जी वब्जी बनाती हूँ। कितने बजे आते हैं बच्चे? 1:45 तक आ जाते हैं, 1.25 घंटा है। और चलो फिर चलते हैं रसोई में, आपको भी दिखाती हूँ कौन से वाले बैंगन बनाऊँगी। और ये वाले जो बैंगन होते हैं ना, ये वाले बनाऊँगी मैं। और ये ना बैंगन ना मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम बनाए ना, तो इन्होंने कहा कि ये ना मिर्ची वाले बनाइए, ये ना करारे ही अच्छे लगते हैं, ज्यादा कम मिर्ची ना अच्छी लगती, मुझे लगा शायद बच्चे तो खाते नहीं है, तो मैंने मिर्ची फिर उस हिसाब से डाल दी। और लेकिन जब कावे बोलने लगे मम्मी चलो मैं भी ना खा के देखता हूँ, और पर मिर्च ना थोड़ी सी ज़्यादा पड़ गई थी, बच्चों के हिसाब से तो ज़्यादा ही थी, तो मैंने इसमें ना दही मिक्स कर लिया, और दही ना उसको लगा कि शायद ना पनीर के छोटे छोटे पीस काट के ना, क्योंकि दही को अच्छे ढंग से फैटा नहीं था, मैंने कहा कावे इसमें ना पनीर भी डाला है खा ले, और वो पनीर समझ के सब्जी खा गया चावल के साथ, उसको इतनी टेस्टी लगी, वो नेक्स्ट डे स्कूल भी लेके गया था, उसको बहुत अच्छी लगी थी। मैंने फिर उसको जब भी समझाया, मैंने कहा कई चीज़ें ऐसी पहले टेस्ट किया कर, जब टेस्ट का ना पता चलेगा। तो चलो फिर अब काट लेती हूँ। और ये लेके आए थे, और आपको बताओ आज ना लहसुन नहीं मिला, पहले सब्जी लेके आए मैं बोलना भूल गई इनको लहसुन के लिए, और फिर दोबारा ना यहाँ नीचे ना सब्जी वाले भैया खड़े थे, दोबारा गए वहाँ लहसुन नहीं मिला, तो मैंने थोड़े से बैंगन ना और मंगा दिए, दो दो कलर के बैंगन हो गए, देखना जरा, एक इस कलर के एक इस कलर के हो गए, दो दो कलर के, क्योंकि अभी भी हम लोग खाएंगे फिर शाम को भी चल जाएगी, चावलों के साथ तो थोड़ी ज़्यादा ही लगती है सब्जी, अभी तो फिलहाल रोटी बनाऊंगी। तो चलो फिर जल्दी से सब्जी वब्जी काट लेती हूँ, सबसे पहले मैक्रोनी निकालती हूँ, कढ़ाई खाली करती हूँ, फटाफट से काम करती हूँ। मैक्रोनी बच गई, देखो शाम के चाय के लिए हमारा हो गया जुगाड़, शाम को चाय पियेंगे फिर उसके साथ अब यही खा लेंगे बच्चे, क्योंकि ना बारिश का मौसम है तो बच्चों को फिर अच्छी चीज चाहिए होती है, अब मैक्रोनी उनके लिए हो गई है। तो चलो फिर जल्दी जल्दी से काम करते हैं, बातें कम काम ज्यादा। तो
और ये मसाला ना पक गया है। और अच्छा हुआ मैंने ना इनसे ना बैंगन थोड़े से और मंगवा लिए थे, अभी थोड़े बहुत बैंगन में ना कीड़े भी निकल आए। तो अब ये बैंगन अभी तो पानी पानी है ना नीचे, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा बैंगन है, पर इसमें कीड़े भी आ गए थे। और यहाँ आलू भी काट लिए, और मैं हर बार सोचती हूँ कि आलू ना वो जो दूसरे वाले तरह से कटते हैं वैसे डालूँ, पर फिर भी इसी शेप में आलू कट जाते हैं, पता नहीं क्यों। और बाहर ना अभी बारिश अभी हो ही रही है, पता नहीं आपको अभी ढंग से नज़र आ रहा होगा या नहीं, थोड़ी बहुत ना हो रही है। तो बस मसाला हो ही गया है, अब इसमें डाल दूँगी आलू। और सबसे पहले मैं आलू को ही भूनूंगी, उसके बाद बैंगन डालूंगी इसमें। अरे सारे मैंने मिक्स कर दिए सब्जी, और ना मैं देखो ये डालना भूल ही गई इसमें मिर्च, मैंने अब धो के खाई हूँ, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। ये ना अच्छी लगती है इसमें, सिर्फ मैं ही खाती हूँ, ऐसे सूखी सब्जी हो या ऐसे सब्जी बनी हो तो इसमें लंबी वाली जो हरी मिर्च। और बस अब डाल देंगे इसमें पानी, और बच्चे ना आने ही वाले हैं, टाइम 1:30 बज चुका है, 1:35 ही हो गया। अब इसे मैं डाल दूँगी पानी, और फिर अब बनती रहेगी हमारी सब्जी। और अभी मैंने इसमें इतना पानी डाल दिया, पूरे बैंगन अभी पानी से तर रहे हैं। अभी मैं आपको जब बनेगी जब दिखाऊंगी, और वैसे सब बनाते ही होंगे, मैं तो सेकंड टाइम बना रही हूँ ये वाली सब्जी। फर्स्ट टाइम बनाई थी ना तो मुझे लग रहा था पता नहीं कैसी बनेगी, पर बहुत टेस्टी बनी थी। अपनी तारीफ खुद ही कर सकते हैं हम कभी कभी, है ना, पर झूठी तारीफ नहीं है, सच्ची है। सब्जी ना बन गई, और यहाँ पे बच्चों के लिए रोटी भी बन गई है। ये तो याना की प्लेट है, और ये ना इसको कंजक पे मिली थी प्लेट, कितनी अच्छी लग रही है ना प्लेट। और ये कावे की प्लेट है, कावे दही नहीं खाता, याना तो दही खुश होकर खा लेती है, वो नहीं खाता। तो चलो फिर बच्चों को खाना देती हूँ, क्योंकि इनको जाना भी ट्यूशन, 2:30 बजे जाना है। दोनों बच्चे खा रहे हैं अभी खाना, और इन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि 2:30 बजे ना ट्यूशन जाना है। अब आके बताया, अब जल्दी जल्दी से बस बना के दिया है, या ना जल्दी फिनिश कर लो। अब दोनों बस खाना खा के फटाफट से ट्यूशन जाएंगे। कैसी बनी है सब्जी? मिर्ची नहीं है, और इनके चक्कर में मैंने मिर्च कम डाली है, और मेरे को बोल रहे कहा मिर्ची नहीं है, अब मैं दोबारा डाल दूंगी, खाएगा तो मिर्च है ठीक है। और अभी मेरे से बोला था चावल क्यों नहीं बनाए, पर अभी इसकी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने चावल बनाए नहीं। और अब वैसे तो चावल अच्छे लगते हैं इसके साथ, पर मैं भी क्या करूं, मजबूरी थी मेरी, बाद में बनाऊंगी चावल, या तो देखूंगी रात को बनाऊंगी सही हो जाएगा तो, नहीं तो फिर कल बनाएंगे चावल। तो चलो फिर जल्दी से याना को तो खाना खिलाती हूँ, धीरे धीरे खाएगी, फिर जल्दी जल्दी खाओ, टाइम हो गया बस, याना प्लेट गिर जाएगी। दोनों बच्चे ना ट्यूशन चले ही गए थे, और मैंने इनकी दीदी को ना फ़ोन कर रही थी, और अभी पर मैंने ना मैसेज देखा, उनका मैसेज आया हुआ था, पहले मैंने देखा नहीं कि ना छुट्टी है ट्यूशन की, और दोनों आ गए। और कावे ना मेरे से बोल भी रहा था इसकी ना तबीयत ठीक नहीं है, और फिर से इसको ठंड वगैरह लग रही है, दवाई दे दी थी मैंने, पर अब छुट्टी हो गई। तो चलो अब अंदर चल के सो जाओ, और ना इसको सही नहीं लग रहा थोड़ा सा तबीयत ना, देखो कैसे कर रहा। चलो अब पहले मेरे से बोल रहा था मम्मी मैं नहीं जा रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, पर मैं जबरदस्ती भेज रही थी। याना इतनी बदतमीज है, अब सोना है, भाई भी सोएगा। चलो फिर दोनों को सुलाती हूँ मैं, और ये देखो याना जैसे ही छुट्टी का पता चला आते ही अपने खिलौने लेके चल दी बस खेलने के लिए। जल्दी आ जा, थोड़ी देर सो के शाम को जाइए याना, नहीं शाम को, सिर्फ 10 मिनट में आ जाइए, नहीं 10 मिनट में। और यही आना ना देखो कैसे सो रही है, आपको क्या लग रहा है ये सो रही है या उठी हुई है? और टाइम ना अभी 5:15 बज गए हैं, और बाहर कितना अंधेरा है, मौसम ना बड़ा अजीब सा हो रखा है, लाइट तो ही बंद है, और कावे की भी तबीयत हो गई है ख़राब। कावे तो सो के है, सोई हुई है, कावे सो के उठ गया, और ये लड़की इतनी बेकार है, खेलने गई थी मुझे इसने सोने नहीं दिया, बीच में आ गई, और अभी डांट खा के
और कैसे सोई है, कछुआ बनी हुई है और ये ऐसे सोती है हमेशा। ये देखो कैसे सोई है, ये ऐसे करके अभी तो इसने ना ऐसे सराना यहाँ पे अपने ऐसे ऊपर रखा हुआ था, कावे ने हटाया। मुझे लगा कि शायद ऐसे ही गुस्से में लेटी है, पर ये सो चुकी है। अब इसको सही करके लेटाती हूँ कंबल दे दे से। और अब सोई है ये, अब खुद सो गई और ना ही इसने मुझे सोने दिया। लड़की ने बहुत बेकार है ये, लेट जाओ बाबू। और कावे की भी तबीयत हो गई ख़राब, मेरे बाबू की। कभी किसी की तबीयत ख़राब, कभी किसी की। कंबल ले ले। समोसा खाने बाबू, पापा आ गए। उठो, मम्मा को तो सोने नहीं दिया। अब याना मैडम जी सो रही है, जल्दी आ जा। आप बोलिए मम्मा की, आ जा। अच्छा नहीं, नहीं सो तो फिर हम खा रहे समोसा। याना याना तो अब सो के उठ नहीं रही, और ये समोसे लेके आए थे, ये समोसे लेके आए हैं अभी। और वो अब सो गई है, और मतलब सोई तो काफी देर हो गई है उसको, सोए हुए टाइम तो हो ही गया, 7 बज गए, पर उठने का नाम नहीं है। पर अब कल संडे, अगर लेट भी सोएगी तो कोई दिक्कत नहीं। और बाहर ना बारिश रुक ही नहीं रही है, दोपहर से हो रही है, अभी तक नहीं रुकी बारिश। और बस चाय भी बन गई है, अब चाय वाय पियेंगे, सब्जी भी बनी हुई है, अब कोई टेंशन नहीं है मेरे को। अगर चावल बनेंगे तो थोड़े से बनेंगे, कावे को तो नहीं दूंगी चावल, वो तो रोटी खाएगा। तो चलो फिर चाय में पीते हैं, याना जब उठेगी जब खाएगी वो अपने समोसे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।